नगर के आजाद रोड स्थित निवासी कुश वाषणे पुत्र विजय शंकर वाषणे का रोडवेज के पास पेट्रोल पंप है। कुश वाषणे तथा उनके पिता विजय शंकर के साथ उनके बड़े बेटे ने कुछ लोगों के साथ पैसों के लेन देन को लेकर पूरे परिवार पर चाकू से हमला किया, जिसमें पिता व पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची 112 डायल पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सरकारी चिकित्सालय भर्ती कराया। घायलों से पूछताछ की गई तो बताया कि इन लोगों ने कुछ दिन पूर्व भी उनके घर पर फायरिंग की, जिसकी सूचना उन्होंने कोतवाली में दी। आज उन्हीं लोगों ने पेट्रोल पंप स्वामी के परिवार से पैसे छीनने की कोशिश की। पैसे नहीं देने पर दबंगों ने पिता पुत्र माँ बेटी पर चाकू से वार किया। बताया जा रहा है कि परिवार में काफी दिनों से प्रॉपर्टी का विवाद चला आ रहा है। आए दिन घर में ऐसी घटना होती रहती है। पेट्रोल पंप से आपको 50,000 रुपए बांधे जाएंगे, लेकिन पहले आप 4,500 रुपए जो है वो ट्रांसफर करें, इसलिए उनसे बोला गया, उन्होंने ट्रांसफर नहीं करे। आए मुझे 20,000 रुपए दो। रोज पंप पे आए दिन आते थे, इससे पहले भी 30,000 मांग चुके, 20,000 रुपए मांग चुके थे, लेकिन आज 20,000 रुपए मांगने आए तो इनसे बोले थे, इन्हीं से बोले थे कि अगर नहीं दिए तो पिस्टल लग रही है मेरे हाथ में। पिस्टल उन्होंने बोला भैया ऐसा तो सब कुछ करो मत। उन्होंने फिर नोजल उठाई, तेल मारा, उसके बाद वो अंदर चले गए। हमने कहा ऐसा ये लोग भी अंदर से भाग के आए कि ऐसा हुआ। हमने कहा क्या हुआ, फिर सारा पहले पंप का शटडाउन बंद कर दिया। उससे पहले मैंने एक कैमरे वाले जो है उन्हीं को फ़ोन किया था, DSR वालों को, कि आइए हमारा पंप का पहले कैमरे चेंज कीजिए सारे। उसके बाद उतनी देर में पंप के सारे शटडाउन बंद हो गए, इसलिए ऊपर से ऑर्डर भी आ गए कि पंप बंद हो गया। उसके बाद हमने जब वो पंप पे आए तो बोले अभी आता हूँ तुम लोगों को बताता हूँ। हमें लगा नहीं ये ऐसी कह के अंदर चले गए। आए घर के बारे उधर शिव शंकर वाषणे एडवोकेट के यहाँ रह रहे हैं, उधर तक आए, पहले इस पे बाहर किया, हम इसको बिचाने में पीछे घर गए, कुछ को रगड़ते हुए, पापा को रगड़ते हुए, कुछ के यहाँ बाहर किया, इसने पापा को बचाया, कुछ के आपके भी चोट लगी है क्योंकि पापा को बचाया, इसलिए लग गई उनने पापा की खंजर जो इतना बड़ा होता है वो यहाँ पे भी मारा है। और बता दो कितने घंटे से टाके लग रहे हैं? पापा को ब्रेन हेमरेज। इस समय आप लोग कहाँ खड़े हो? ये सरकारी अस्पताल है। ये कैसे चोटें लगी आपके? सर ये मेरे बड़े भाई लव गुप्ता उस राजकुमार गुप्ता ने मारा है। क्यों मारा, किस बात पे? सर ऐसा था कि वो पंप से पैसे लेके भागे, मैंने उसका विरोध किया कि भाई आप पैसे ही लेके क्यों भाग रहे हो हमारे पंप के, हमारी लेबर से ग्रीस से लेके भागे पैसे। हमने विरोध किया, उनने उतनी देर में मतलब सब कैमरे CCTV सब बंद कर रखे थे, ये कांड करने के लिए तैयार के मूड में थे हैं, और पंप की लेबर से कह रहा कि मैं फायरिंग कर दूंगा, तुम पैसे दो मेरे को, सब कुछ दो, नहीं दोगे तो मैं मार दूंगा। और मैंने जैसे ही विरोध किया, उतनी देर में जो पंजाबी वाला जो कट्टर होता है लंबा लंबा सा, उससे यहाँ वार करा, यहाँ वार करा हमारे फादर के, कम से कम इतना लंबा गहरा, इतना लंबा गहरा कट्टर मारा है यूँ लंबा करके, तो हमारे पापा के भी बहुत डैमेज आए हैं और हमारे पापा बेम हैमरेज के मरीज भी हैं। अच्छा, जैसे कि पेट्रोल पंप के आप लोग स्वामी हैं, हाँ? तो आपके भाई हैं तो उनका भी अधिकार है पेट्रोल पंप का जितना आपका है, तो उन्हें पैसे लेके भागने की क्या जरूरत पड़ी? पैसे लेने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि सर वो आए दिन हमें परेशान कर रहे थे, इसलिए हमने रोक लगा रखी, थी। हाँ क्यों आए दिन पड़ी मैं बताती हूँ। बताइए। ऐसा है उनके 4,500 चोट कैसे लगी आपके? ये छोरा मारा किसने? राजकुमार ने, और लव गुप्ता, शिवशंकर, हरिशंकर, और पुष्पा देवी, अंजना देवी, और वर्षा रानी। ये क्यों उन्होंने आप लोगों को घायल किया? ये चाहते हैं कि पंप हो जाते तो मैं कहता हूँ कि दो तुम्हारी शादी कर दी, दो बेटी और है, बेटा और बेटी, उनकी शादी हो जाए उसके बाद बंट लो, मगर वो राजी नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं पहले तुम हो जाए।